एक्सरसाइज 9.4 क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें फाइंड द फॉलोइंग आइडेंटिटीज है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज, और इसको हम सॉल्व करते हैं। हमें वैल्यू दी गई है टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा इंटू सेकेंट थीटा। ठीक है, हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ये पार्ट को हम कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको हम कह देंगे राइट हैंड साइड। ठीक हो गया, हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे, उसको सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारी वैल्यूज इस साइड के बराबर आ जाएं। ठीक हो गया, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को स्टार्ट करते हैं। टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू, टेंजेंट थीटा की वैल्यू हमारे पास होती है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। ठीक है, नॉर्मल फॉर्मूला। प्लस कोटेंजेंट की वैल्यू हमारे पास कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा होती है। अब हम इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम में हम कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, क्योंकि दोनों वैल्यूज डिफरेंट हैं, अगर तो ये दोनों वैल्यूज सेम होती हैं तो नीचे कॉस स्क्वेयर थीटा या साइन स्क्वेयर थीटा आ जाता, लेकिन ये डिफरेंट है और इन दोनों को हमने ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऊपर की वैल्यू लिखने के लिए हम इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास या जो हमारे पास रिमेनिंग होगा उसको हम इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये कैसे होगा, ये ऐसे है कि जी कॉस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। कॉस थीटा कॉस थीटा हमारे पास कट गया, बाकी रह गया हमारे पास साइन थीटा। साइन थीटा को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा आ जाता है। ठीक हो गया, अगर इस लेंथी प्रोसेस को आपने नहीं चूज करना तो आप ऐसे कर सकते हैं कि कॉस थीटा कैंसिल हो गया तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वेयर थीटा। प्लस अब इसकी बारी है तो इसको हम इसके साथ कैंसिल कर दें और कॉस को कॉस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास दूसरी वैल्यू निकल आएगी, वो हो जाएगा कॉस स्क्वेयर थीटा। ठीक है, अब कॉस स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस इंटू साइन रह गया हमारे पास, और ये किसके इक्वल होता है, ये फार्मूला है एक जो इक्वल होता है वन के। ठीक है, या हमने पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए उसमें हम ऐसे उसको लिखते रहे हैं साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वेयर थीटा, या कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वेयर थीटा, और यही किसके इक्वल है, कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन के। ठीक है, अब हम यहाँ से हमने ये देख लिया कि कॉस स्क्वेयर थीटा और साइन स्क्वेयर थीटा किसके इक्वल है, हम इसकी जगह इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, वन डिवाइडेड बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, हमने दिमाग के अंदर यही रखना है, हम माइंड के अंदर यही रखना है कि हमने ये वाली वैल्यू बराबर लेके आनी है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको नेक्स्ट ये कर सकते हैं कि इसको डिफरेंट सेपरेट कर दें, कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय वन ओवर साइन थीटा। अब वन ओवर कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये कोसिकेंट नहीं सीकेंट के इक्वल होता है। ठीक है, सीकेंट के इक्वल हो गया वन ओवर कॉस थीटा, और वन ओवर साइन थीटा इक्वल हो जाता है कोसिकेंट के। ठीक है, और ये हमारा इसको हम ऐसे लिख लें, या कोसिकेंट थीटा डॉट सीकेंट थीटा, ये हमारा इक्वल हो गया हमारे राइट हैंड साइड के, और ये हमने प्रूव कर दिया क्वेश्चन।